शिमला के रामपुर के समीप डाकोल्ड में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त कार्यालय की ओर से हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण केंद्र का केंद्र सरकार के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त कार्यालय के सहायक निर्देशक अवधेश ठाकुर ने केंद्र का दौरा कर महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं वस्त्र एवं परिधानों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को बताया कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से कई प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर दक्ष कर उन्हें स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। उनके द्वारा तैयार उत्पादों को किस तरह देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनियों से बेचा जा सकता है, किस तरह इसमें मंत्रालय सहायता और सहयोग करता है, विस्तृत जानकारी दी। उन्हें बताया प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद किस तरह समूहों में अपना कारोबार स्थापित कर सरकार किस तरह मदद कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार का मकसद है कि महिलाओं को घर द्वार पर स्वरोजगार के लिए दक्ष बनाकर आत्मनिर्भर करें। इसके लिए केंद्र सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं, जिन्हें ग्रामीण स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। सहायक निर्देशक अवधेश विकास आयुक्त कार्यालय वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने बताया, भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त के सौजन्य से राज्य सरकार के माध्यम से यह योजना चलाई जा रही है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प और हथकरघा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस दिशा में यह कदम उठाया गया है। जो महिलाएं काम करना चाहती हैं, उनको इसमें प्रशिक्षण देकर दक्ष करना है, ताकि वह स्वरोजगार अपनाकर आत्मनिर्भर बने। सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय नई दिल्ली की तरफ से हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से ये भारत सरकार की योजना हैंडीक्राफ्ट टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 महीने का 2 प्रोजेक्ट शॉल मेकिंग में, शॉल क्राफ्ट में और कैप वाले बनाने, कैप और जैकेट्स बनाने के लिए प्रशिक्षण 2 महीने का महिलाओं को दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत कि महिलाओं को स्वरोजगार खुद से कैसे करें, यानी कि अगर वो स्किल नहीं है तो सरकार ट्रेनिंग के माध्यम से स्किल लेवल बढ़ा, स्किल उनका कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके बाद प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं खुद से अपना काम कर सकती हैं और बाद में अन्य योजना का भी फायदा जो भारत सरकार का है वो अब फायदा उठा सकती है। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि आत्मनिर्भर बनना, यानी स्वरोजगार करना। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास जो हुनर है उस हुनर से कैसे आगे बढ़ना है, हुनर पर निखारने के लिए प्रोग्राम चला गया। अब महिलाएं खुद से इसको आगे प्रमोट करेगी, खुद से काम करेगी और अर्निंग करेगी, अपने लिए पैसे कमाएगी। ये मेन ऑब्जेक्टिव। नगर परिषद रामपुर की पार्षद कांता ने बताया कि वह सरकार का धन्यवाद करती हैं कि उनके वार्ड में महिलाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। इससे अवश्य महिलाओं को लाभ होगा। सरकार का धन्यवाद करती हूँ। मैं वार्ड नंबर 6 पार्षद कांता, और मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे वार्ड में जो है महिलाओं को स्वयं रोजगार खोला गया है, कि ताकि ये जो आत्मनिर्भर रह सके, और इनको जो ट्रेन किया जा रहा है, तो मैं राज्य सरकार का जो है अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और महिलाओं को जो इन्होंने रोजगार खोला है, इनको भी जो है सुचारू रूप से आगे जारी रखने का विनम्र निवेदन करती हूँ। प्रशिक्षणार्थी शशिकला ने बताया कि वह किन्नौर की रहने वाली हैं। 2 महीने का रामपुर के डाकोल्ड में प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, जिसमें खड़ी के माध्यम से टोपी एवं विभिन्न तरह के बुनाई का कार्य सिखाया गया और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा, ताकि आगे हम दक्ष होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। रामपुर बुशहर के डकोलर में खाड़ी का काम खोला गया था सरकार द्वारा 2 महीने का। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, शॉल बनाना, दोड़ू बनाना, पट्टू बनाना, ताकि हम लोग घर जाकर अब अपने पैरों पर खड़े हो सके, कुछ कमा सके जी। प्रशिक्षणार्थी सुलोचना ने बताया सरकार की ओर से यहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था, यहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। 200 स्टॉल और अन्य बुनाई के तकनीकी प्रशिक्षण यहां सीखा और आगे जाकर इसे रोजगार के रूप में अपनाएंगे।
मेरा नाम सुलोचना है, मैं नरेहण वाली की रहने वाली हूँ। सरकार केंद्रों की तरफ से जो भी हमारे लिए यहाँ योजना मिली है, हम यहाँ बहुत कुछ सीखा है। कुछ जैसे पाटू भी बनाते हैं, किनौरी और स्टॉल बनाते हैं, मफलर बनाते हैं और तोड़ू बनाते हैं, पट्टियाँ बनाते हैं। तो हम जैसे सीखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। सरकार केंद्रों को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जो भी हमारे लिए ये योजना दी। धन्यवाद।